सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप तो हम लोग आज बना रहे हैं, मैंने कल आपको बोले थी चिकन हरीसा, हरीसा खिचड़ा कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग उसको, सिर्फ बनाने के तरीके अलग होते हैं इस वजह से नाम भी अलग हो जाते हैं। तो हमने अपना जौ उबालने रख दिए है और बज रहे हैं डेढ़, क्योंकि गर्मी इतनी है सब खाना 4 बजे खाते, 4 भूख किसको भी नहीं लग रही। तो अभी बन रहा है हरीसा, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है, वो रेसिपी में बताती हूँ। अब देख सकते हैं हमारा हरीस बनके रेडी हो चुका है, मम्मी लोग ने बनाए थे हरीस और आधे जन ने खा भी चुके हैं, आधे जन बचे हैं इन्होंने भी खा चुका है खाना। मैं आपको बताती हूँ बाहर खाना खा रहे हैं आधे जन, ये सारा बड़ी मम्मी शौक अंकल खाना खा रहे हैं, ये देखो शब्बू हमारे पीछे आ रही है, अरे 3 नंबर हमारा छोटा बेटा गाड़ी चला रहा है, इतना बड़ा हो चुका है कि अपनी अम्मी को, बड़ी अम्मी मोटी वाली को। ये देखो दिन बनाता हरीस जो है अभी, लेकिन शब्बो नहीं खाती है, मेरा भाई नहीं खाएगा और नाजो को पराठा देना है रोटी। तो मैं बना रही हूँ अभी भुर्जी और पराठा। ये मेरा भुर्जी का मसाला रेडी हो रहा है, मैं अंडे फोड़ के रखी हूँ, यहाँ कोथमीर काट के रखी हूँ और मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ पराठा। शब्बो तूने आटा गूनी पतला कर दिए, पूरा नरम कर दिया एकदम, इतना नरम गूनता है क्या कोई आटा, इतना नरम है। देख मैं आटा गूनूंगी एकदम भारी, गुलगुले का आटा गूनी क्या। कल है शमशुद्दीन, कल है शमशुद्दीन दरगाह है, शमशुद्दीन बाबा कांजूरमार में, वहाँ का संदल है कल, वहाँ का उरूस है। तो कल हमारे वहाँ से चादर निकलेगी हमारे घर से, तो हम लोग घर में मीठा बनाएंगे, वहाँ मीठा लेके जाते हैं, तो मैं बड़ी ऑर्डर नहीं करूँगी। मेरा पाइनएप्पल हलवा है ना जो टेस्टी बनता है ना, तो मैं वो बनाऊँगी कल। तो कल के व्लॉग में आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के, कल हम संदल में जाएंगे क्योंकि हम हैं सुन्नी, कट्टर सुन्नी के, तो हम कल जाएंगे संदल लेके वहाँ पे। सब हमारे लड़के लोग बाहर तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या क्या तैयारी चालू है। तो आप लोग सब, मैंने आज का सामान लेकर आई जाके, मैंने पूरा हलवे का सब सामान लेकर आई मैंने। ये पराठे खाना आप मेरे हाथ के, जैसे मैं मोटी वैसे हो जाओगे। बस शब्बो ने पतला कर दिया आटा, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे, अगर पतला करिए तो गून के दी वही बड़ी बात है, पतला होने से क्या होता है। अब ये पतला भी आएगा, खा के होएंगे मोटे, चकन चकन पराठे बनाएंगे हम जब तक ये अच्छा चटनी भी इसकी रेडी हो जाएगी। इसमें मैंने डाली हूँ कांदा, टमाटर, हरी मिर्ची, हल्दी, थोड़ा नमक, इसमें जाऊँगी डालूंगी कोरिएंडर यानी कोतमीर और थोड़ा सा मिर्ची की बुक्की डालूंगी, ठीक है। और अंडे हमने फोड़ के रखे हैं, वो तो मैंने आपको बता चुकी हूँ। ये हमारा जाएगा इसमें अंडा, कभी भी आप लोग अंडे को लोगे तो अंडे को पहले फोड़ लेना अच्छे से, क्योंकि कभी भी कुछ भी उसमें घान मतलब गर्मी है ना निकलता है, तो अंडे को फोड़ के पहले लेने का, बाद में अंडा उसमें डालने का। पराठे बन चुके हैं, यहाँ एक पराठा डाली है मैंने, चकन चकन छोटे छोटे से पराठे, स्मॉल स्मॉल, आई एम बिग स्मॉल पराठा। और मेरा पराठा कैसा लगा जरूर मैसेज करके मुझे बताना आप लोग कि मैंने पराठे कैसे बनाई हूँ, ठीक है। मुझे सब बनाने आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर चीज़ बना सकती हूँ, ओके। आई एम नॉट परफेक्ट, लेकिन मुझे बनाने आता है, थोड़ी इंग्लिश भी सीख रही हूँ ना, ज़रूरी है पढ़ने लिखने आना, ठीक है।
तो गाइस देखो अम्मी ने भुर्जी बनाए और ये पराठा बनाए, आप लोग देख सकते हो अम्मी कितनी मेहनत कर रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है खाने के लिए, अम्मी मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले लोग तो जैसे A few moments later. हमारे वहाँ कल चंदन सेट चढ़ेगी शमशुद्दीन बाबा ना, तो देखो उसकी तैयारी चालू हो चुकी है। घर पे से ना बॉल की थैली भी ले रहा है बिल्डिंग में, वही बिल्डिंग में बोल रहा हूँ। कल कल आएगा, हमारा सरप्राइज ये था कल का, हमने डाले थे कि हमारा चैनल मोनेटाइजेशन होने आ चुका है, आप लोग दुआ करो जल्द से जल्द और आगे बढ़ जाए और हमारे वीडियो को ऐसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो कल हमारा उर्दू से दरगाह का शमशुद्दीन बाबा का वो ब्लॉग आपको मिलेगा, तब तो जरूर देखना और दुआ करना सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।